सभी साथियों को प्रकाश राजभर का नमस्कार और आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोगों के बदौलत लंबे संघर्षों के बल पे आज उत्तर प्रदेश में वो काम होने जा रहा है जो दुनिया में आश्चर्य होगा। 3 साल पहले से मैं कहता आ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विदाई करूँगा। अब धीरे धीरे संदेश आप लोगों तक आने लगा कि विदाई के लिए जनता ने सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई क्यों, तो जनता के सवाल का उत्तर हमने दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ 2017 में मैं ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी समझौते में हम गए तो हमारी शर्तें थी कि प्रदेश में जातिवार जनगणना होने पर ब्लॉकों में उतनी दवाई जितनी आबादी के हिसाब से दवा उपलब्ध होती, शिक्षा के लिए बजट मिलता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जातिवार जनगणना नहीं कराई। दूसरा, घरेलू बिजली का बिल माफ करने के सवाल पे हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, लेकिन सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी घरेलू बिजली का बिल माफ करने से मुकर गई। भारतीय जनता पार्टी ने एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा के सवाल पे हम उनके साथ गए थे, इस पे भी भारतीय जनता पार्टी मुकर गई। चौथा, गरीबों का इलाज फ्री में, इससे भी भारतीय जनता पार्टी मुकर गई, जिसके वजह से 18 महीने के अंदर मैंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया। और माननीय अखिलेश यादव जी, जयंत चौधरी जी, प्रेमचंद प्रजापति, रामसागर बिंद, अनिल चौहान, किसड़ा पटेल, हम तमाम साथियों को लेकर के एक मोर्चा बनाए और मोर्चा बनाकर हम लोगों ने तय किया कि 6 महीने के अंदर सरकार बनाकर 6 महीने के अंदर जातिवार जनगणना कराएंगे। शपथ लेते ही, सरकार बनते ही मुख्यमंत्री जिस दिन शपथ लेंगे उसी दिन 300 यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश को फ्री देंगे। एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा उत्तर प्रदेश में लागू करेंगे। गरीबों का इलाज फ्री करेंगे। पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। योगी जी मोदी जी के ललका सांड से जो किसान परेशान है, आम आदमी परेशान है, योगी जी मोदी जी के ललका सांड से किसान को राहत दिलाएंगे। सड़क पे जो योगी जी मोदी जी के सांड से दुर्घटनाएं हो रही हैं उससे निजात दिलाने का काम करेंगे। प्रदेश में अमन चैन, भाईचारा पैदा करेंगे। जो पत्रकार साथियों के साथ फर्जी मुकदमे लिखे गए, जो व्यापारियों के ऊपर फर्जी मुकदमे लिखे गए या किसी के ऊपर फर्जी मुकदमे लिखे गए, सरकार बनने के बाद इसकी जांच करा करके फर्जी मुकदमे वापस कराने का काम हम लोग करेंगे। पहली सीट है जहूराबाद गाजीपुर, दूसरी सीट है संडीला हरदोई, सुनील अर्कबंशी पद क्या है, प्रदेश अध्यक्ष
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। तीसरा है मनोज राजवंशी, अरविंद राजभर, शिवपुर से अरविंद राजभर। अच्छा तीसरा वो राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, हाँ मनोज राजवंशी, ये प्रदेश उपाध्यक्ष हैं हम मिश्रिक सीतापुर। हाँ मनोज राजवंशी। ललिता पासवान बलहा, बलहा बहराइच, महिला मंच के राष्ट्रीय महासचिव हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जहूराबाद गाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। सुनील अर्कवंशी प्रदेश अध्यक्ष, सुनील अर्कवंशी प्रदेश अध्यक्ष, अर्कवंशी सुनील अर्कवंशी संडीला विधानसभा हरदोई। तीसरा हमारा उम्मीदवार अरविंद राजभर, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, शिवपुर वाराणसी, मनोज राजवंशी मिश्रिक सीतापुर, ललिता पासवान बलहा बहराइच। ये 5 सीटों की सूची आज हम आप लोगों के सामने जारी कर रहे हैं। शेष 1 दर्जन से ज़्यादा सूची जल्द ही आपके बीच में आके फिर जारी करेंगे। इन चीज़ों को लेके जब हम जनता के बीच में गए तो जनता ने इसका स्वागत किया और कहा कि हम आपको सरकार बना के हम लोग देंगे, आप भी मेहनत करो हम भी मेहनत करेंगे। हम लोगों ने आप लोगों के सहयोग से मेहनत का काम शुरू किया। आपके सामने कुछ सवाल आएंगे कि आपके मोर्चे के कुछ साथियों को सीटें नहीं मिली हैं। हमारे ऐसे साथियों को सरकार बनने के बाद कैबिनेट मंत्री बना करके उनको वही पद दिया जाएगा, बिना विधायक बने ही उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा और उनके और साथियों को भी सरकार में शामिल करने किया जाएगा। अब जनता ने सवाल शुरू किया हमसे कि लड़ाई बहुत अच्छी है, विचार अच्छे हैं, सोच अच्छे हैं, तो प्रत्याशी का क्या हाल है। तो हमने, क्योंकि हम भी बनारस के, आप लोग भी बनारस के, तो हमने तय किया कि बनारस से ही सूची जारी किया जाए। अब कल तो मैंने एक वीडियो देखा है कि गांव के लोग पूछ रहे हैं कि 5 साल के बाद कहां से आए हैं। वो अपनी जबानत बचा लें, यही बहुत बड़ी चीज है। दूध का दूध पानी का पानी, सरकार बदलने की हैसियत ओम प्रकाश राजभर के पास है, सरकार बनाने और बिगाड़ने की हैसियत है। भाजपा के साथ गए सरकार बनाए और आज समाजवादी पार्टी के साथ हैं, भाजपा की सरकार हटाएंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना के दिखाएंगे। सब बात तय हो गई है ना। नहीं नहीं, अमित शाह जी कमरे में तो बतिया लिए, लेकिन जब मंच पे बोलना हुआ तो नहीं बोलते थे। यहाँ कमरे में भी तय हुआ और मंच पे भी ललकारने लगे। आपने देखा प्रेस के सामने आकर के, ये 2005 से ले लगाया पुरानी पेंशन का मामला था, प्रेस वार्ता करके उन्होंने कहा, प्रेस वार्ता करके उन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कहा, 6 महीने के अंदर जातिवार जनगणना कराने की बात कहा। तो सारी बात तो ओपन आ रही है, चाहे वो रथ यात्रा में बोले हों, चाहे रैली में बोले हों, चाहे प्रेस वार्ता में। तो इसमें और इस गठबंधन में और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में जमीन आसमान का फर्क। वहाँ देश बेचने वाले लोग हैं, यहाँ देश बचाने वाले लोग बैठे हैं। और 1 दर्जन से ज़्यादा सीटों की घोषणा आप लोगों के सामने ही होगी। ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने सिंबल पे चुनाव लड़ेगी।
नहीं, हम लड़े चाहे बेटा लड़े, दोनों में अंतर क्या है? अब लोडर से लीडर से मुकाबला कराएंगे। हमारी पार्टी में सभी लोग, पार्टी के नेता पदाधिकारी जो मेहनत किए हैं उनको चुनाव लड़ा रहे हैं, बाहर से हमारा कोई उम्मीदवार नहीं होगा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। इसमें जो हमारा आपका प्रदेश अध्यक्ष सुनील अर्कवंशी, वो पत्रकार है, कई चैनलों में काम किया हुआ है। तो आप लोगों की भी डिमांड पूरी है। हम तो तीसरा टिकट दिए हैं, जब जब लड़ाते हैं तब तब देते हैं। मतलब सुनील अर्कवंशी कई चैनलों में काम किए, वहाँ पूछेंगे तो लोग बताएंगे कई चैनलों में काम किया। नहीं, अभी दिखाई नहीं दे रहे। पेशन न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।